मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट क्लास में बेटा हमने विवर्तन प्रारूप देख लिया था, एकल झिल्ली विवर्तन प्रारूप, फ्राउनहोफर विवर्तन हमने डिस्कस कर लिया था, और उसमें हमने देखा था कि जो हमारा प्रारूप बना था स्क्रीन पर विवर्तन प्रारूप, उसमें सेंट्रल केंद्रीय उच्चिष्ट पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम थी, और केंद्रीय उच्चिष्ट से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हमारे प्रकाश की तीव्रता घटती जा रही थी, ठीक है ना। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के पास में जो हमने देखा कि जो केंद्रीय उच्चिष्ट था उसके बाद पहला मिनिमा मिनिमा बना होगा, उसके बाद फिर उच्चिष्ट प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट फिर द्वितीयक मिनिमा, इस तरह से अपन ऊपर जो है हमारी लाइट की तीव्रता देख रहे थे, ऐसे ही नीचे देखा करते थे। तो हमारा जो व्यतिकरण और विवर्तन प्रारूप जो था उन दोनों में जो अंतर है मैन वो यही था कि विवर्तन प्रारूप में जो है हम देखते हैं कि हमारा जो तीव्रता है वो सेंटर पे मैक्सिमम और ऊपर नीचे घटती जाती है, जबकि व्यतिकरण प्रारूप में क्या देखा था कि हमारे पास चमकीली और काली फ्रिंजें मिलती थी स्क्रीन पे, काली चमकीली फिर काली फिर चमकीली, तो क्रमागत चमकीली और काली फ्रिंजें, तो जो बिल्कुल काली थी उसकी तीव्रता बिल्कुल शून्य। विवर्तन में ऐसा नहीं होता, विवर्तन में जो है सभी की जो तीव्रता है वो शून्य नहीं होती, ठीक है, न्यूनतम होती है पर शून्य नहीं होती, मिनिमाज के केस में उसमें शून्य भी होती है। तो पहला अंतर तो यह है व्यतिकरण और विवर्तन में। दूसरा अंतर व्यतिकरण की बात करें तो उसके लिए अपने पास दो प्रकाश स्रोतों से जो दो तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पे अत्यारोपित होती है उसके बाद हम अपना प्रारूप देखते हैं, ठीक है ना। व्यतिकरण प्रारूप दो तरंगों से दो प्रकाश स्रोतों से जो प्रकाश आपतित होता है उसके अध्यारोपण से मिलता है, जबकि विवर्तन में ऐसा नहीं है। विवर्तन में एक ही प्रकाश स्रोत के प्रकाश से हमें विवर्तन प्रारूप मिल जाता है। दूसरा अंतर, तीसरा अंतर मैन पथांतर का, संपोषी व्यतिकरण के केस में पथांतर लिखते थे एन लैम्डा, और विनाशी व्यतिकरण के केस में पथांतर हुआ करता था बेटा लैम्डा बाई टू का विषम गुणज, 2n-1 लैम्डा बाई टू कुछ ऐसा लिखा था, ठीक। जबकि विवर्तन में उल्टा है, उच्चिष्ट बिंदु पे जो पथांतर है वो था हमारा 2n-1 या 2n+1 लैम्डा बाई टू का विषम गुणज, जबकि निम्निष्ठ बिंदुओं पे पथांतर होता था एन लैम्डा। ये अंतर तीसरा हो गया पथांतर का, ठीक है ना। पहला अंतर हमारा हो गया था सिंपल जो हमारी फ्रिंज या जो हमारा प्रकाश मिल रहा था स्क्रीन पे उसकी तीव्रता के बारे में, दूसरा हमारा स्रोत के बारे में, और तीसरा हम बोलेंगे पथांतर वाला केस, ठीक है ना। और भी हम कई सारे अंतर देखेंगे, तो ये जो अंतर है वो आपको कॉपी में नोट करने हैं, विवर्तन और व्यतिकरण के बीच जो अंतर है वो आपको कॉपी में लिखने हैं, बुक से देख के कंप्लीट करने हैं, और सारे अंतर आप देखोगे। लास्ट क्लास तक हमने जो विवर्तन किया था उसमें हमने निम्निष्ट और उच्चिष्ट बिंदु की स्थिति तो ज्ञात कर ली थी, अब उसका जो तीव्रता का ग्राफ था कि पथांतर के साथ तीव्रता का ग्राफ या कलांतर के साथ तीव्रता का ग्राफ देखें तो वो ग्राफ कैसा बनता है, तीव्रता का ग्राफ। तो ध्यान से देखो, एक्स एक्स पे तो अपन ले लेते हैं पथांतर, एक्स एक्स पे क्या ले लेते हैं पथांतर, और वाई एक्सिस पे अपन ले लेते हैं तीव्रता, तरंग की तीव्रता, ठीक है। एक्स एक्स पे तो पथांतर ले लिया, वाई एक्स पे अपन ने तीव्रता ले ली। मुझे पता है जब पथांतर शून्य होता है, अध्यारोपित तरंगों के मध्य पथांतर शून्य होता है, और वो शून्य कब था, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए केंद्रीय उच्चिष्ट के केस में, केंद्रीय उच्चिष्ट के केस में पथांतर शून्य हुआ करता था, तीव्रता सबसे ज्यादा, अध्यारोपित तरंगों के मध्य ए और बी के संगत जो हमने यहां पे द्वारा किया था उसके संगत जो तरंगे हमारी अध्यारोपित हुई थी लेंस पर, दूसरे लेंस पर, उसके बाद उसका उसके मुख्य फोकस पे जो प्रतिबिंब बना था उन दोनों तरंगों के मध्य पथांतर शून्य था, कलांतर भी शून्य था। जब पथांतर शून्य है तो अधिकतम तीव्रता का प्रकाश, और ये फिर आपको बिंदु मिलते थे निम्निष्ठ वाले, ये दो बिंदु आपको मिले दोनों तरफ निम्निष्ठ वाले, यहां पे तीव्रता शून्य है, यहां पे तीव्रता अधिकतम है आई नॉट, तीव्रता कितनी ले ली आई नॉट, ये न्यूनतम तीव्रता वाले बिंदु आ गए, और न्यूनतम तीव्रता निम्निष्ठ वाले जो बिंदु थे वो लैम्डा के पूर्ण गुणज वाली स्थिति में मिलते थे, लैम्डा के पूर्ण गुणज वाली में, तो यहां पथांतर लैम्डा होगा प्रथम निम्निष्ठ के लिए, और यहां क्या होगा माइनस लैम्डा, यहां माइनस लैम्डा और यहां लैम्डा, फिर लैम्डा बाई टू का विषम गुणज, तो लैम्डा के बाद 3λ/2 इसमें तीव्रता फिर अधिकतम, यहां पे 3λ/2 और 3λ/2 पे आपकी तीव्रता अधिकतम, मतलब उससे कम नहीं होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, शुरू वाले से उससे कम होगी ऐसे, ठीक है ना। ऐसे इसमें -3λ/2, ठीक है, फिर 2λ पे आपका
तीव्रता जो है वो फिर से न्यूनतम हो जाती है। फिर इस तरह से देखो धीरे धीरे तीव्रता घटती जाएगी। ये आपका 2 लैम्डा, ये आपका क्या हो गया 2 लैम्डा, फिर ये माइनस का 5 लैम्डा बाई 2, इधर ये आपका आ जाएगा प्लस का 5 लैम्डा बाई 2। और ध्यान से देखो जो ग्राफ है उसमें तीव्रता धीरे धीरे घटती जाती है, तीव्रता जो है वो घटती जाती है। ये होगा तीव्रता और पथांतर के मध्य ग्राफ, तीव्रता और पथांतर के मध्य ग्राफ, ठीक है ना। और भी बढ़ा सकते हैं आगे, ऐसे अपने को बनाना है, कंप्लीट करना है। तीव्रता और पथांतर के मध्य ग्राफ ये है। अब अपन बात करेंगे बेटा, ये जो अपना केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है सेंट्रल मैक्सिमा, इसकी ये चौड़ाई केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, सेंट्रल जो मैक्सिमा होता है उसकी विड्थ, ठीक है ना। एक छोटा सा टॉपिक आपको किताब में नहीं मिलेगा बट उसमें न्यूमेरिकल है इसलिए अपने को ये टॉपिक करना पड़ेगा, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। टॉपिक है आपका केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, ठीक है ना। ज्ञात करते हैं, देखो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, देखो इजी सा टॉपिक है, आसान है, कंप्लीट करते हैं। टॉपिक लिखो पहले, केंद्रीय उच्चिष्ट सेंट्रल मैक्सिमा, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, विड्थ ज्ञात करनी है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है ना। रेखीय विड्थ भी निकालेंगे और एंगुलर विड्थ भी निकालेंगे, कोणीय विड्थ, कोणीय चौड़ाई भी निकालेंगे और रेखीय चौड़ाई भी ज्ञात करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, किताब में नहीं है पर न्यूमेरिकल है इसके, इसलिए इसको करना जरूरी है, बाद में इसके न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। देखो अपने पास यहां जो स्लिट होती थी या द्वारक होता था, उस द्वारक में, उस द्वारक से जो प्रकाश आपतित होता था पर्दे पे, ठीक है ना, ये आपका द्वारक है और ये दूरी जो है वो स्मॉल ए लेते थे अपन, ए और बी के बीच की दूरी जो थी वो स्मॉल ए लेते थे। ये जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल ए। अब देखो इधर जो अपना स्क्रीन है, ये जो पर्दा हुआ करता है अपना, पर्दा बोल देते इसको, स्रोत बोल देते हैं, पर्दे और स्रोत के बीच की दूरी को कैपिटल डी ही माना है इसमें भी, अपन कितना मान लेते हैं कैपिटल डी। ध्यान से देख बेटा, यहां से कोई तरंग ऐसे सीधी आपतित हुई जाके, यहां से कोई तरंग ऐसे जाके सीधी आपतित हो रही है पर्दे पे, तो उसका प्रकाश यहां पे चमकीला प्रकाश अपने को मिलेगा इस बिंदु पे। इसको मैं ओडेस मानता था, इसको मैं ओ मान लेता, ठीक है। और एक तरंग इस बिंदु पे यहां पे आपतित हुई माना, और एक तरंग जो है वो नीचे ले लेता ऐसे, और यहां पे जो है अपना प्रकाश अधिकतम तीव्रता वाला प्रकाश, सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है इसको ही बोला अपन ने केंद्रीय उच्चिष्ट, दो निम्निष्टों के बीच की दूरी, ये निम्निष्ट बिंदु होगा, ये प्रथम निम्निष्ट, परिभाषा भी लिखेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई बोलेंगे दो प्रारंभिक जो हमारे दो प्रथम निम्निष्ट बिंदु है उनके बीच की दूरी को केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कहेंगे। ये प्रथम निम्निष्ट, ये प्रथम निम्निष्ट, तो दो प्रथम निम्निष्टों के बीच की दूरी को अपन क्या बोलेंगे, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। माना ये दूरी x है तो नीचे वाली दूरी भी x मान ली, ये दूरी कितनी मान ली x, ऐसे दोनों दूरी कितनी मान ली, तो 2x अपनी केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई है जिसको रेखीय चौड़ाई बोलेंगे। और ये वाला कोण कितना मान लिया थीटा, ये वाला कोण कितना मान लिया थीटा, और ये वाला कोण भी थीटा। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ एंगुलर विड्थ कितनी होगी, कोणीय चौड़ाई कितनी होगी, तो आप लिखोगे 2θ। आप कितनी लिखोगे बेटा, 2θ। डायग्राम समझ में आया, बहुत इजी था। हमारे केंद्रीय उच्चिष्ट ये था और दो निम्निष्टों के बीच की दूरी को अपन बोल रहे हैं केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई। तो देखो अब इसको परिभाषित करते हैं, परिभाषा लिखते हैं, दो निम्निष्टों, दो प्रथम निम्निष्टों के बीच, दो प्रथम निम्निष्टों के बीच, निम्निष्टों के बीच, बीच की रेखीय दूरी को
रेखीय दूरी को केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई कहते हैं। केंद्रीय उच्छिष्ट की रेखीय चौड़ाई कहते हैं, जिसको 2x से निर्देशित करें चौड़ाई कहते हैं, रेखीय चौड़ाई कहते हैं, ठीक है, जिसको अपन 2x से निर्देशित करेंगे और इसका मान ज्ञात करेंगे। 2x हमारा मान अपन चेक करेंगे। देखो ध्यान से इस त्रिभुज को देख लो, ये बिंदु O और S, इसको A ले लो, नीचे वाले बिंदु को B मान लो। इसको मैंने A बिंदु से निर्देशित किया और इसको B बिंदु से निर्देशित किया। त्रिभुज O A O और S B से, त्रिभुज O और S B से, त्रिभुज O और S B से, ध्यान से देख बेटा, त्रिभुज O और S B से क्या है? त्रिभुज समकोण त्रिभुज। अगर मैं यहां से tan थीटा का सूत्र लिखूं तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो tan थीटा बराबर, सूत्र आ गया आपके पास, लंब कितना है x, आधार कितना है कैपिटल d, ये दूरी कितनी है कैपिटल d, थीटा अल्प वाले केस में ये कितना हो जाएगा x अपॉन d। यदि थीटा अल्प है, थीटा अल्प हो तो tan थीटा को थीटा लिखा जाएगा, थीटा बराबर x बटा कैपिटल d, थीटा बराबर x बटा कैपिटल d। समीकरण संख्या एक, समीकरण संख्या एक। अब देखो मुझे एक्चुअल में ज्ञात क्या करना होता है, x का मान। तो ये जो डबल x का मान हो गया थीटा इंटू कैपिटल d, x का मान कितना हो गया थीटा इंटू कैपिटल d। देखो और एक चीज सोचो, अगर मैं इसके लिए सोचूं तो भी यही होगा थीटा। तो केंद्रीय, अगर कोणीय चौड़ाई की बात करें तो x को अपन डायरेक्ट यहां से निकाल लेंगे थीटा इनटू कैपिटल d से, थीटा इनटू कैपिटल d से। अब देखो थीटा का मान, देखो प्रथम निम्निष्ट के लिए सोचो, जो हमने कल सीखा था कि प्रथम निम्निष्ट बिंदु के लिए पदांतर लैम्डा का पूर्ण गुणनफल अर्थात n लैम्डा, n का मान 1 होगा, तो हम ऐसा लिखेंगे प्रथम निम्निष्ट के लिए, प्रथम निम्निष्ट के लिए, निम्निष्ट बिंदु के लिए, प्रथम निम्निष्ट बिंदु के लिए हमने सीखा था a sin थीटा बराबर पदांतर n लैम्डा इनटू लैम्डा लिखा था आपने। तो ये थीटा जो है यहां से a को उधर लेंगे तो sin थीटा बराबर लैम्डा बटा a, तो थीटा बराबर अल्प वाले केस में लैम्डा बटा a, समीकरण संख्या दो। और अब इन दोनों को बराबर कर लो और x का मान ज्ञात कर लो। समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, ध्यान से देख बेटा, थीटा का मान लैम्डा बटा a यहां रख लो, तो लैम्डा बटा a बराबर x बटा कैपिटल d, तो x का मान कितना आ गया लैम्डा कैपिटल d बटा स्मॉल a, समीकरण संख्या तीन। जबकि अपनी रेखीय चौड़ाई कितनी है x प्लस x, अतः केंद्रीय उच्छिष्ट की, केंद्रीय उच्छिष्ट की रेखीय चौड़ाई, रेखीय चौड़ाई, ठीक है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर विड्थ भी बोलते हैं इसको, वो कितनी हो जाएगी 2x बराबर 2 लैम्डा कैपिटल d अपॉन स्मॉल a, यही सूत्र होगा। समीकरण संख्या 4, 2x बराबर 2 लैम्डा कैपिटल d अपॉन स्मॉल a, दूसरे दोनों तरफ गुणा कर लो तो 2x आपकी रेखीय चौड़ाई आ गई, दो प्रथम निम्निष्टों के बीच की दूरी, इस तरह से अपन ज्ञात कर लेते हैं। अब अपने को कोणीय चौड़ाई निकालनी है, ठीक है ना, केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई, तो ये तो हमने रेखीय चौड़ाई निकाल ली। सेकंड पार्ट इसका, केंद्रीय उच्छिष्ट की, केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई, ध्यान से देखो कोणीय चौड़ाई थीटा प्लस थीटा, 2θ होगी, इसको बोलेंगे ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, 2θ, तो कोणीय चौड़ाई होगी बेटा आपकी 2θ, और थीटा का मान कितना है, थीटा का मान ध्यान से देखो कहां से लिखोगे, यहां से x बटा d, तो 2θ बराबर थीटा का मान x बटा d, इसमें रख लो केंद्रीय चौड़ाई बराबर केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई, 2θ का मान कितना रख दिया समीकरण से, x बटा कैपिटल d, x बटा कैपिटल d, या फिर देखो 2x का मान अपने पास 2 लैम्डा कैपिटल d, ये मान रख लो, तो 2 लैम्डा कैपिटल d अपॉन स्मॉल a इन अपॉन में कैपिटल d,
ठीक है ना, 2x की जगह ये मान रख लिया, कैपिटल डी से कैपिटल डी कट गया, अर्थात कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई आ गई 2 लैम्डा अपॉन a। ध्यान से देखो ये किसके बराबर है, इसको समीकरण संख्या 5 दे दो, 2 लैम्डा अपॉन a। लैम्डा अपॉन a क्या थी, प्रथम निम्निष्ठ के लिए कोणीय विस्थापन, प्रथम निम्निष्ठ के लिए कोणीय विस्थापन का दुगुना होता है, तो ये द्वितीय निम्निष्ठ का होगा क्या, कोणीय चौड़ाई का मान द्वितीय निम्निष्ठ बिंदु के लिए, द्वितीय निम्निष्ठ बिंदु के लिए जो कोणीय चौड़ाई होती है उसके बराबर ही होता है, ठीक है ना। तो सेंट्रल मैक्सिमा जो केंद्रीय उच्च स्तर है उसकी कोणीय चौड़ाई का मान आ गया 2 लैम्डा अपॉन a, और रेखीय की चौड़ाई का मान 2 लैम्डा कैपिटल d अपॉन a। सूत्र काम के, टॉपिक बहुत आसान था, आपने व्यतिकरण विवर्तन में अंतर लिख लिया, केंद्रीय उच्च स्तर की चौड़ाई ज्ञात कर ली, विवर्तन वाला टॉपिक कंप्लीट। इसके अलावा आपने तीव्रता का ग्राफ बना लिया, अब इसमें लास्ट टॉपिक बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में अपन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक क्या कहता है सुनो, रिजोल्यूशन पावर, विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता, देखो टॉपिक इजी है, विभेदन क्षमता वह न्यूनतम पृथक्करण कोण जिस पर स्थित वस्तु को किसी उपकरण द्वारा आसानी से देखा जा सके। परिभाषा देखो, विभेदन क्षमता वह न्यूनतम पृथक्करण कोण, वह न्यूनतम पृथक्करण कोण जिस पर किसी वस्तु को किसी उपकरण द्वारा आसानी से देखा जा सके। विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर, ठीक है ना। ये अपन उपकरण की बात करेंगे, जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इनकी विभेदन क्षमता अर्थात रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर, इसको देखो कैसे डिफाइन करेंगे अपन, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, सुनो ध्यान से। वह न्यूनतम पृथक्करण कोण, वह न्यूनतम पृथक्करण कोण, पृथक्करण कोण, वह न्यूनतम पृथक्करण कोण, मतलब इसकी क्षमता को अपन किसी कोण से ज्ञात करेंगे, वह न्यूनतम पृथक्करण कोण जिस पर स्थित किसी वस्तु को, स्थित किसी वस्तु को किसी प्रकाशिक उपकरण द्वारा, किसी प्रकाशिकी उपकरण द्वारा, उपकरण द्वारा आसानी से देखा जा सके, आसानी से देखा जा सके, उसे बोलते हैं विभेदन क्षमता। वह उपकरण की, वह उपकरण की विभेदन सीमा कहलाती है, विभेदन सीमा कहलाती है, उसको उपकरण की क्या कहते हैं, विभेदन सीमा, और विभेदन सीमा के व्युत्क्रम को विभेदन क्षमता कहते हैं, तथा विभेदन सीमा के, विभेदन सीमा के व्युत्क्रम को, युत्करण को विभेदन क्षमता, उपकरण की विभेदन क्षमता कहते हैं, उपकरण की विभेदन क्षमता कहते हैं, विभेदन क्षमता कहते हैं। वह न्यूनतम पृथक्करण कोण जिस पर स्थित किसी वस्तु को किसी प्रकाशित उपकरण द्वारा आसानी से देखा जा सके, उपकरण की विभेदन सीमा कहलाती है, तथा विभेदन सीमा के व्युत्क्रम को उपकरण की विभेदन क्षमता कहते हैं। और ये जो न्यूनतम पृथक्करण कोण होता है थीटा मिनिमम, किसी भी उपकरण के लिए, किसी भी प्रकाशिक उपकरण के लिए, प्रकाशिकी उपकरण के लिए न्यूनतम पृथक्करण कोण, थीटा मिनिमम,
बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। लैम्डा आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है और टी जो है वो आपका जो प्रकाशीय उपकरण है उसके द्वारक की चौड़ाई है। कैपिटल डी जो है वो द्वारक की चौड़ाई है, 1.22 लैम्डा आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको परिभाषित करते हैं। अब जैसे दूरदर्शी की बात करें, पर दूरदर्शी के लिए मान कितना होता है? दूरदर्शी के लिए देखो ध्यान से, दूरदर्शी जो टेलीस्कोप जिससे अपन दूर स्थित वस्तुओं के उपकरण देखते हैं, जैसे मान लो आपको दो तारों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है या दो तारों को देखना है, दो तारों की विभेदन क्षमता की बात करनी है, ठीक है ना, दूर स्थित उपकरण से अपने को क्या करना है, दूरदर्शी की सहायता से दो बड़े स्टार, दो सितारों को देखना है। माना दो सितारों के बीच की दूरी, स्मॉल एल है, दो सितारे इनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल एल। तथा दूरदर्शी से सितारों के बीच की दूरी, दो ये सितारों के बीच की दूरी एल तथा दूरदर्शी से दूरी डी है, दूरदर्शी से सितारों की दूरी स्मॉल डी है। अर्थात जैसे एक सितारा यहां पे, एक सितारा यहां पे, इनके बीच की दूरी एल है, ये वाली दूरी कितनी है? एल। और यहां स्थित अपने पास दूरदर्शी उपकरण, तो ये वाली जो दूरी है स्मॉल डी है, और ये कोण आपका न्यूनतम पृथक्करण थीटा मिनिमम है। तो आप इसको देखो, अगर ये दूरी बहुत ज्यादा होती है तो ये वर्ग से कटा हुआ चाप, चाप की लंबाई, त्रिज्या और चाप कोण में संबंध, थीटा मिनिमम बराबर एल बटा डी, ठीक है ना, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, यही सूत्र होता है। और थीटा मिनिमम कितना है अपना? 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। तो थीटा मिनिमम एल बटा डी बराबर 1.22 लैम्डा बटा कैपिटल डी, ये न्यूनतम पृथक्करण कोण है, ये हमने क्या है, न्यूनतम पृथक्करण कोण। और इसके व्युत्क्रम को ही हम क्या बोलते हैं? विभेदन क्षमता। अतः दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, अतः दूरदर्शी की विभेदन क्षमता रिजोल्विंग पावर बराबर 1 अपॉन थीटा मिनिमम बराबर डी अपॉन 1.22 लैम्डा। यही होगा कि थीटा मिनिमम क्या था, किसी भी प्रकाशिकी उपकरण के लिए न्यूनतम पृथक्करण कोण, वह न्यूनतम पृथक्करण कोण जिस पर स्थित वस्तु को किसी प्रकाशिकी उपकरण से देखा जा सके, तो उसको वो विभेदन सीमा कहलाएगी, और विभेदन सीमा जो है उसके व्युत्क्रम को विभेदन क्षमता कहते हैं, यही लिखा जाएगा, सही। तो ये तो हमने दूरदर्शी के लिए ज्ञात किया। इसी प्रकार अगर अपन सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो सूक्ष्मदर्शी में क्या होगा, सूक्ष्म वस्तुओं के जो कण है या सूक्ष्म जो कण है वो लेंस के आसपास ही होंगे, जो सूक्ष्मदर्शी होगी उसके लेंस के आसपास ही होंगे सूक्ष्म कण, तो उनके आसपास रख लेते हैं और उनके बीच की दूरी एस मान लेते हैं, तथा वो फोकस दूरी के आसपास, फोकस के आसपास होते हैं तो उनसे जो दूरी है वो फोकस से एफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो आसान सा टॉपिक है, देखो लास्ट टॉपिक इजी सा है, बहुत इजी है, कंसेप्चुअल है, देखो ध्यान से। सूक्ष्मदर्शी के लिए निकाले विभेदन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी के लिए देखो, हम ऐसा मान लेते हैं कि जो छोटे कण हैं उनके बीच की दूरी एस है और ये लेंस के फोकस के आसपास रखे हैं, तो ये वाली जो दूरी है वो एफ हो जाएगी, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? एफ। अब ये जो न्यूनतम पृथक्करण कोण है वो थीटा मिनिमम, तो यहां से पूछा जाए कि थीटा मिनिमम बताओ कितना है, थीटा मिनिमम ये वैसी कंडीशन s by f, थीटा मिनिमम का मान कितना हुआ s by f, या s बराबर थीटा मिनिमम इनटू f, और थीटा मिनिमम कितना होता है, ये दो छोटे कणों के बीच की दूरी है, थीटा मिनिमम 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल d इनटू स्मॉल f, और इसके व्युत्क्रम को बोलेंगे, इसके व्युत्क्रम को बोला जाएगा विभेदन क्षमता। अतः सूक्ष्मदर्शी की
विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता बराबर वन अपॉन एस बराबर, इसको उल्टा कर लो, डी अपॉन 1.22 लैम्डा इनटू एफ, अर्थात सूक्ष्म दर्शी की विभेदन क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये टॉपिक बेटा आपका कंप्लीट हो गया, रिजॉल्विंग पावर, बहुत आसान सा टॉपिक था। अब अपन नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इसके। थैंक यू।